रेसिपीज बन रही हैं। चिकन कढ़ाई बनने जा रही है, इसके इसने यहाँ पर ऐड किया और अब शामिल कर देते हैं चिकन। उसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि उसके जो फ्लेवर्स हैं वो उसमें सील हो जाए। स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चिकन। चलें जी, इसमें चिकन चली गई, आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। मैं एक अदद यहाँ से ले लेती हूँ स्पून। अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे और जब तक ये फ्राई हो रही है आपको सैलेड के बारे में बताते चलें कि आज की जो सैलेड है बहुत ही कलरफुल सी है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने, हम इसमें शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स, इसके साथ ही इसमें जाएंगे काले चने, एक अदद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं, प्याज है, टमाटर है, खीरा है और हरा धनिया शामिल करेंगे, सलाद पत्ता है जो ऐड करेंगे, चिकन चंक्स यानी कि टिक्के के चंक्स ऐड करेंगे। इसके अलावा इसकी हमने एक सैलड की ड्रेसिंग बनानी है जिसमें ऑलिव ऑयल जाएगा और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फ्रेश लहसुन, काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, केचप, चिली सॉस और सिरका, इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे। बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी और बहुत ही हमारा फ्लेवरफुल और हेल्दी सा सैलेड है। वरना हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर हम कहें कि हमने सिर्फ सैलेड ही लिया है लंच में तो उसकी कैलोरीज भी कम हो, बल्कि जो क्रीम बेस या मेयो बेस सैलेड्स होते हैं तो उनकी कैलोरीज एक मील से भी बाज़ वक्त तो उससे भी ऊपर चली जाती हैं। लेकिन आज का जो हमारा सैलेड है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि ढेर सारे उसमें बीन्स हम यूज़ करने जा रहे हैं, काफ़ी फिलिंग का एहसास होगा और इसके साथ ही उसमें ऑलिव ऑयल जाएगा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बहुत ही हेल्दी सा सैलेड है, आप कभी दोपहर में खाना या मील स्किप करके आप उस सैलेड को ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसकी आंच को थोड़ा सा ढक देंगे, कुछ हम इसमें मसाले ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो पकना शुरू हो जाए। चलें ये चलेगा इसमें टमाटर और इसके साथ ही हमने इसमें कौन से मसाले ऐड करने हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन, साथ ही हमने कुटा हुआ जो धनिया है वो शामिल कर देना है। ये आ गया लहसुन और अदरक, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, ये चला गया लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हस्बे ज़रूरत जितना आपको तीखापन अच्छा लगता है इतनी आप ऐड कर दें। तो मैं बस एक टीस्पून भर के हमने ये शामिल कर दिया और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत और स्टोव को कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मसाला बहुत ज़्यादा हो कढ़ाई में तो फिर आप क्या कर सकते हैं, टमाटर की मिकदार को बढ़ा दीजिए। दही भी ऐड किया जाता है कढ़ाई में, अगेन मसाला अगर आपको ज़्यादा चाहिए। मैं इसको भूनती हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको कवर कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप पानी और इसको यहाँ पर कर देते हैं कवर। तो जब तक ये पक रहा है सैलेड की हमें सिर्फ मिक्सिंग करनी है और उसकी हम ड्रेसिंग तैयार करेंगे, बनाएंगे। जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपने सैलेड में डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें, जो वेजिटेबल्स मैंने यूज़ की हैं वही आप यूज़ करें। सफ़ेद लोबिया अच्छा लगता है, सफ़ेद लोबिया आप इसमें ऐड करें। सिर्फ सफ़ेद चने अच्छे लगते हैं, आप काले चनों को ओमिट भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चिकन। आंच को कर देते हैं बिल्कुल स्लो। थोड़ी सी मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें कसूरी मेथी, शामिल कर देंगे इसमें हरी मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्च और चाट मसाला, ऑप्शनल है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपको अच्छा लगता है, जैसे चाट मसाला भी अच्छा जाता है कढ़ाई में, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा आपने ऐड करना है। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला।
चलो इसको ये हमने इसमें ऐड किया गरम मसाला और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़ी सी कर लेते हैं इसकी मिक्सिंग और अब हम आ जाएंगे अपने सैलेड की तरफ जो कि बहुत ही इंस्टेंट और क्विक हम तैयार कर लेंगे।